वेलकम बैक टू द न्यू सीरीज ऑफ माय चैनल मैजिक ऑफ इन्फिनिटी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनफाइनाइट कितना होता है? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखने में बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, पर ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना कंफ्यूजिंग। ग्रीक फिलोसोफर जीनोस ऑफ एलिया, जिन्होंने नए नए पैराडॉक्स को इन्वेंट किया और अपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से सारी दुनिया को हैरान कर दिया। जीनो के पैराडॉक्स आने वाले 2000 इयर्स तक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस को हेल्प करने वाले हैं। लेकिन आज हम जिस पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं वो हमारी सीरीज द मैजिक ऑफ इन्फिनिटी से ही जुड़ी है और इसका नाम है द डाइकॉटमी पैराडॉक्स। इन्फिनिटी को समझने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। इस पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट हमेशा बचा ही रहता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पैराडॉक्स इन डिटेल। एक बार जीनो अपने घर से पार्क तक जाना चाहते थे और उन्होंने इस दूरी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हाफ डिस्टेंस कवर करने के बाद आधी बची हुई दूरी को भी उन्होंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर आधी दूरी को कंप्लीट किया और आधी बची हुई दूरी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो इस प्रोसेस को रिपीट करते गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा लंबी दूरी के लिए तो ये बहुत ही इजी रहा होगा, पर जब डिस्टेंस कम हो गया होगा तब जीनो ने इसे कैसे डिवाइड किया होगा। लेकिन मुश्किल डिवीजन नहीं बल्कि कुछ और था। जितनी बार भी डिवीजन किया जाता था हाफ पार्ट हमेशा बचा ही रहता था। जीनो ने इस प्रोसेस को किलोमीटर से स्टार्ट किया था, लेकिन डिवाइड होते होते ये डिस्टेंस मीटर्स और नैनोमीटर्स तक पहुंच गई, लेकिन हाफ डिस्टेंस फिर भी बचा ही रह गया। यहाँ पर एक फाइनाइट डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी थी, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस को कवर करने में इनफाइनाइट टाइम ही लगेगा। अब सिचुएशन है कि अगर जीनो अपने घर से पार्क तक का डिस्टेंस 1 आवर में कंप्लीट कर सकते थे तो बात अलग थी, पर अगर हम जीनो के हाफ हाफ डिवीजन मेथड को देखें तो हमें एक इक्वेशन मिलता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर हम इस सीरीज को जोड़ दें तो हमारा आंसर फाइनाइट ही होना चाहिए। लेकिन इस प्रॉब्लम ने ही जीनो को परेशान कर दिया, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। हमें इनफाइनाइट टाइम की जरूरत थी। अगर मैथमेटिकली देखें तो जीनो पार्क तक लगभग 1 आवर में पहुंच ही जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो आधी दूरी जो बच गई है वो कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। तो बस यहीं से इस पैराडॉक्स की स्टार्टिंग हुई थी और इसे नाम दिया गया द डाइकॉटमी पैराडॉक्स, यानी कि किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस को इनफाइनाइट डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। द डाइकॉटमी पैराडॉक्स हमको यही समझने में हेल्प करता है। सो अकॉर्डिंग टू यू, क्या जीनो पार्क तक पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंच पाएंगे तो उन्हें कितना समय लगेगा? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।